ना 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 ना, गोली गोली मत चलाना, मेरी मजबूरी है, मैं समझा सकता हूँ। तो ये थी साहब मेरी कहानी। आपको यकीन नहीं होता तो चलो मेरे साथ वार्ड नंबर 601, बेड नंबर 55, आरोग्य धाम। मेरी मरती हुई माँ को मैं कैसे बताऊँ कि उसके इलाज के लिए तो दूर की बात है, मेरे पास तो उसकी दवाई खरीदने तक के लिए भी पैसे नहीं है। नहीं, कौन? ललन फ्रॉम अलाहाबाद, इस घर के नौकर। तुम्हारी टाइमिंग अच्छी है कि खराब ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक बात बताएं, हम भी चोरी ही कर रहे थे। हर चोर की एक कहानी होती है, तुम्हारी दुख भरी है और हमारी दिलचस्प। सुनाए। अलाहाबाद से पहली गाड़ी पकड़कर हम बंबई पहुंचे। हमारे पिताजी हमें कुछ बातें बता गए। वो कहे यहां मन लगाकर काम करना। मालकिन से मिले तो बहुत खुशी हुई और घर देखे तो पगला ही गए। अरे घर कम महल ज्यादा, यहाँ हर चीज ऑटोमेटिक होती है, मान लो पूरा ही मैजिक। पिताजी बताए कि साहब के मामा जी एमएलए हैं, इसके पहले जितने भी यहाँ आए काम करने उन्हें सरकारी नौकरी लगवा दी गई, पर वो ये भी कहे कि साहब थोड़े खड़ूस हैं। साहब बर्फ साहब खड़ा क्या है, डालना बस भर देगा क्या? लेकिन अगर उन्हें तुम पसंद आ गए तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। पिताजी हमारी कमजोरी जानते थे, वो कहे अपनी हद में रहना, ये गांव नहीं है जो अपनी साइकिल उठाई और चल दिए कहीं भी। उनके एक सुपुत्र भी हैं जिनके चाल चलन हमें आज तक समझ में नहीं आए, जब भी सामने आते हैं तो नई नई चीजों का आविष्कार करके जाते हैं। इनके खाने और कपड़े देख के तो हमारे मन की भी इच्छा जोर मारने लगती थी। हमारे गांव में दिन की समाप्ति की घोषणा और यहाँ के दिन की शुरुआत एक ही समय पे होती है, रात के 9 बजे। ने मेरे अहम को ललकारा है ताऊ, बदला तुम्हें लेकर आऊंगा। गांव के बच्चों को तो खुले आंगन भी कम पड़ते हैं और यहाँ के बच्चे एक ही डब्बे में पूरा खेल जमाए बैठे हैं। पिताजी हमारे पुराने करतूतों से वाकिफ थे, वो कहे हाथ जोड़ रहा हूँ इस बार कोई गलती मत करना, बड़ी मुसीबत से ये एक अच्छा घर मिला है। जब भी तुझे गुस्सा आए तो एक बार अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोच लेना। जैसे हर फिल्म का एक विलन होता है वैसे हमारे फिल्म का भी एक विलन है, और हमें हमारा विलन बम्बई में मिला।
बंगलो नंबर 4 से जी, अपन 6 से। नाम क्या तेरा? लल्लन, इलाहाबाद से। अपन करण, मार्केट से आ रहे ला क्या? जी हाँ। साहब ने साइकिल लेके नहीं दी? नहीं। आ छोड़ता है। जी बिल्कुल, चलिए। ला 100 रुपये। 100 ही थे हमारे पास, उसकी हमने सब्जी खरीद ली। फ्री का राइट चाहिए? अपुन करण है तो तूने अपने आप को अर्जुन समझ लिया। अपना खाली जेब अपुन के भेजे से मत भर, समझ गया? बड़ा आया फ्री का राइड लेने वाला, बड़ा आया लल्लन इलाहाबादी। आ गया तू? आज रात हम पुणे जा रहे हैं 2 दिन के लिए, मामा जी ने बुलाया है, और 2 दिन में दिवाली है तो फर्श, खिड़कियां, किचन के ड्रॉर से लेके टेरिस तक सब साफ कर देना। 2 दिन के बाद मेहमान आने शुरू हो जाएंगे, लगना चाहिए कि दिवाली का घर है। हम लोग आते समय कैंडल दिए और बात। हमें साइकिल चाहिए। क्या? हमारे और करण के काम में सिर्फ एक बंगले का फर्क है, हम 4 में रहते और वो 6 में, लेकिन वो मार्केट जाते हैं तो वो साइकिल पर जाते हैं, और यहाँ हम हमारी चप्पल घिसते रहते हैं। ललन इतना भी दूर नहीं है मार्केट यहाँ से। हमें साइकिल चाहिए बस। तुम हमारे लिए काम करते हो या हम तुम्हारे लिए? करण साइकिल से जाता है, ये कौन सी वजह हुई तुम्हारी इज्जत करने की? साइकिल नहीं मिलेगी तो क्या काम नहीं करोगे? नौकर हो नौकर की तरह रहो, और किसे ऑर्डर कर रहे हो? लोग मरते हैं इस घर में काम करने के लिए, रोटी सब्जी दाल चावल गीजर शावर, यहाँ तक के पखाने से कमोड़ पे आ गए, और हमें साइकिल के लिए ऑर्डर मार रहे हो? बाहर टेबल पर हमने 1,000 रुपए रखे थे, कहाँ गए वो? हमें नहीं पता अशोक, वो बाहर गया था। पॉकेट दिखाओ। नहीं हमारे पास। पॉकेट दिखाओ। नहीं हमारे पास। चुप। क्या कर रहे हो अशोक? मैंने 1,000 रुपए लिए थे बाहर से प्लेस्टेशन का रिमोट ठीक कराने के लिए। मैं शांतनु के घर जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा। बाय। ये घर की चाबी रख और ये 200 रुपए भी रख, और कुछ जरूरत पड़े तो हमारा नंबर है ना तुम्हारे पास? लेट हो रहा है। आई। अच्छा सुन, घर अच्छे से साफ कर लेना। सब्जी दाल चावल गीजर शावर, यहाँ तक के पखाने से कमोड पे आ गए। बाहर टेबल पर हमने 1,000 रुपए रखे थे, कहाँ गए वो? बबलू राजू पप्पी बहादुर, सबका बदला लेगा रे तेरा लल्लन, लल्लन मिश्रा। ना 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 ना, गोली गोली मत चलाना, मेरी मजबूरी है, मैं समझा सकता हूँ। तेरी कहानी ना बहुत दिलचस्प है, लेकिन मेरे वाली में ना एक छोटा सा ट्विस्ट है। बताऊं? नो मदर, आई लाइड। लेकिन आज ना मुझे मेरा पार्टनर मिल गया, जैसे जैको वीरू, अमर को उसका प्रेम,
और करण को उसका अर्जुन। चल अब थोड़ा ना काम कर लें। हाँ चल। क्या उठाओगे? घड़ी, टीवी, फ्रिज। हमारा एक दोस्त है चाड़िया, जो रातों रात घर साफ करने में माहिर है। हाँ तो फिर रात भी हसीन है। हेलो। क्यों बेजाड़ी है, कैसे हो? ए, कौन बोल रहा है? अरे अजीब गेंडा छाप आदमी हो भाई तुम, साला हमको नहीं पहचाने। ए बदतमीज, कौन बोल रहा है? अंदर करवा दूंगा। हाँ सही पहचाने। अच्छा सुनिए तो, एक अर्जेंट काम आ गया है। एक घर साफ करना है आज ही रात को। What nonsense? Wrong number. बंगलो नंबर 4, गोल्डन हाउस सोसाइटी, JVPD स्कीम। कौन है? एक सांड जैसे आदमी, उनकी सुशील बीवी और उनका एक बच्चा, 3। वो पुना के लिए निकल गए। इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा। हमारा पार्टनर भी यही है, गोटिया। आओ घर साफ करते हैं। कितना टाइम लगेगा भैया आने में? वो क्या है ना, हमारे पास टाइम नहीं है ज्यादा। 1 घंटा। एक घंटा। और इस 1 घंटे में हम क्या करेंगे? ये किसको बुला रहे तू? चलो आ गया तू? कैसा रहा? अरे लल्लन क्या हुआ बताएं। हाँ हाँ शुरुआत से बताएं। अरे बता ना।
पिताजी कहे थे, जब भी गुस्सा आए अपने माँ बाप को जरूर याद कर लेना। ये साइकिल उसी सोच की देन है। मालिक हमें माफ कर दिए, हमने उनका विश्वास जो जीत लिया, अब सही राह मिली है तो रास्ता भी साफ दिख गया। मन लगा के काम करेंगे और हमारे माँ बाप को सुखी रखेंगे। जाते जाते एक बात कहेंगे, हैप्पी दिवाली फ्रॉम लल्लन फ्रॉम अलाहाबाद।